मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत 11 मार्च को नई गढ़ी में जनपद पंचायत के आयोजन तत्व में नई गढ़ी के ऐतिहासिक मोही खेल मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था देखी गई। ग्रामीण अंचलों से आए वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जोड़ों के साथ उनके परिजन को टोकन काउंटर पर घंटों से अधिक तिलमिलाती धूप में खड़े रहना पड़ा। वहीं सामग्री वितरण में अनियमितता के चलते दर दर भटकते हितग्राही दिखे, लेकिन जनपद पंचायत की व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार सिर्फ पगड़ी बनवाने तक ही सीमित रहे। हितग्राहियों की किसी समस्या के लिए कोई परवाह नहीं थी। बताया गया कि अव्यवस्था के चलते जहां नव युगलों जोड़ों को विवाह के पहले और विवाह के बाद बैठने के लिए कुर्सियां तक नसीब नहीं हुई। पूरे विवाह कार्यक्रम की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले कथित ठेकेदार की हठ धर्मिता के चलते दूर दराज से आए घराती और बाराती पक्ष के लोगों को भोजन के पैकेट पाने के लिए भटकना पड़ा। वहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। विवाह उपरांत जोड़ों को शासन द्वारा दहेज के बतौर दी जाने वाली सामग्री भी आधी अधूरी देकर विदाई कर दी गई, जिसमें अधिकतर लोगों को टीवी और अलमारी नहीं दी गई। ये कहा गया कि जितना ऊपर से आया है दे दिया गया। कटी फटी साड़ी का वितरण भी हुआ। खाने के पैकेट मिले वो भी सड़कों पर फेंकते नजर आए, जिसकी गुणवत्ता पर उंगली उठना लाजमी है। मुख्य अतिथि मनगवा क्षेत्र के विधायक पंचूलाल प्रजापति मंचासीन रहे। मंचासीन जिम्मेदारों ने भी शिविर के इर्द गिर्द की व्यवस्था का जायजा लिया और नाश्ते की प्रक्रिया पूरी की और चलते बने। जनप्रतिनिधि चिल्लाते रहे, लेकिन जिम्मेदारों ने व्यवस्था कैसे चल रही है इसका हाल जानना उचित नहीं समझा, जिससे क्षेत्र में जन आक्रोश दिखाई दिया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। हमारा नाम संतोष प्रजापति है, जनपद सदस्य फूलवती प्रजापति के हम पति हैं। जनपद सदस्य प्रतिनिधि है आप, संतोष प्रजापति निवासी आप खर्रा से हैं जी, ठीक है ना जी। खर्रा निवासी संतोष प्रजापति, क्या अव्यवस्था पाए यहाँ? यहाँ पे खाना जो है जोड़े के साथ में जो, और यहाँ खाना जो है तो नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और हमारे हर जोड़े से 6,000 रुपए काटा गया है। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ खाने के लिए मांगा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि पहले मैडम से लिखा के लाओ। मैडम ने लिख भी दिया तो भी कुछ नहीं मिला। एक गिलास पानी के लिए आप तरसते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, आपको पानी तक नहीं मिला। यहाँ पे खाने वाले सीधे बोलते जब तक मैडम नहीं आएगी हम खाना नहीं देंगे। मैडम लिख के भी दी तो भी नहीं मिला। मैडम जी लिख के भी दी लेकिन नहीं मिला भोजन, अभी नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? हमारा नाम है उर्मिला साकेत। अच्छा, ये शादी में क्या मिला है, कैसा कपड़ा कैसा मिला? कपड़ा या कटी फटी धोती पुरानी लगती है। हाँ, ये पुरानी शादी? हाँ, पुरानी साड़ी है। कटी फटी? हाँ, कटी फटी। अच्छा, ये आपके कौन लगती है? हमारी भतीज पुताऊ है। अच्छा, भतीज की शादी है। अच्छा अच्छा, कहाँ की है ये? ये दुकमा के है और लड़की वाले उमरिया के। मतलब साड़ी कटी है? हाँ, कटी है, पुरानी है। हाँ। क्या नाम है आपने के? कहाँ से आने? उमरिया में उमरियान। अच्छा, ये जो कपड़ा मिला है कैसा है, साड़ी कैसी मिली है? पुराना साड़ी मिली है भाई, उकठी। हाँ, पुराना साड़ी की शादी है। हाँ, एक लगाया है, लगा है, रंग मसाला के। हैं? क्या ये पुरानी साड़ी है? पुरानी साड़ी है। हैं? पुरानी साड़ी, रंग मसाला के लेके। जनता का आरोप है कि सामग्री में कटौती करके दी जा रही है, कहा जा रहा है सामग्री नहीं है, इसमें आपका क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली जनता को अभी अनभिज्ञता है, उनको पूरी बात का पता नहीं है अभी, क्योंकि होली का त्यौहार बीता है और अपने पास जो हमारे वेंडर रिवर्स डिसाइड हुए हैं उनके पास आवागमन साधन का अभाव था। इसकी वजह से जो अलमारी और जो कुछ चीजें शेष है उनको हम 14 तारीख के बाद हम सभी हितग्राहियों को बुलाकर अलग से देंगे। ये और जिस जिस चीज़ों को हमने नहीं दे पाए हैं उस पर हमने साइन नहीं किया है, नहीं लिया है। बाकी जो हम चेकलिस्ट में साइन करा रहे हैं जिसका हम दे रहे हैं उसके बाद उनको सामग्री दी जा रही है। क्या आप लोगों ने उस ग्राम पंचायत के सरपंचों को कौन सी हितग्राही को नहीं दे रहे हैं, कौन सा सामान, तो क्या उनको सूचित किया गया? जिस हितग्राही, क्योंकि टोकन लेके आ रहे हैं, टोकन नंबर के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन है अपना, तो हमने चेकलिस्ट में साइन कराया, जो जो हमने सामान दिया उसमें साइन कराया है, जो शेष है उसको हम 15 तारीख को दे सबको बुला के देंगे। ये सूचना आप सचिव से दे सकते हैं कि देंगे? दो सवाल जी, अभी आपने कहा दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, दे सकते हैं कि देंगे?
बिल्कुल देंगे, समय का इजाजत हो सकता है लेकिन बिल्कुल देंगे, 100% श्योर है, ये हमारे वेंडर है, ये आपसे बताएंगे। क्या नाम लिखते हैं? मैं अंकिता तिवारी लिखती हूँ, हमारे वेंडर ये भैया है राहुल मेमन, इसके नाम से पूरे जिला में सप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पूरी जानकारी वहाँ से करिए और इनकी बैठक होगी जिस वक्त पूरी जानकारी ली जाएगी। विधायक होगी, विधायक जी एक छोटा सा सवाल, विधायक जी एक ये प्रकाश में मामला आया है कि यहाँ पर जो कन्या विवाह योजना है यहाँ पर फटी धोतिया बटी है, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? नहीं अभी तो ऐसा हमने देखा नहीं है कि फटी धोतिया बटी है, ये सभी लोगों के कपड़ों के लिए ये कपड़े मंगवाए गए। सर मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है फोटो। अच्छा वो कहीं दूसरा धोखा हो गया होगा, सफेद साड़ी बताई जा रही थी, सफेद साड़ी भी बताई जा रही थी, सफेद साड़ी हाँ नहीं कन्या को सफेद साड़ी भी बांटी गई थी जो वापस की गई है फिर बाद में। नहीं तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे अब रजिस्ट्रेशन करने में अभी इतना बड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ा तो कुछ इधर उधर हो ही जाता है, परंतु ऐसा तो अभी देखने को नहीं मिला है, परंतु आप कह रहे हैं तो इसकी भी हम जांच करवा लेंगे क्या है जी। ठीक, नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।